हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीतिस किचन। आज हम मुंबई स्टाइल वड़ा पाव बनाने जा रहे हैं। सामग्री देख लेंगे क्या क्या लगेगी। ये आलू है, बॉईल करके मैश करके लिया हुआ है। बेसन है, कोथमीर, उड़द की दाल है, अदरक लहसुन, दो मिर्ची ली है तीखी वाली, आधा नींबू। सबसे पहले हम ये मिर्ची, अदरक लहसुन और कोथमीर सब लेके पीस लेंगे। इस तरह से पीस के वड़ा पाव का तड़के का मसाला हमने रेडी किया है। अभी हमने इसको तड़का लगा देंगे। तड़के के पैन में थोड़ा तेल लिया हुआ है, थोड़ा राई डालेंगे। राई जैसे चटकने लगेगी जीरा डालेंगे, कड़ी पत्ता, उड़द की दाल डाल देंगे। उड़द की दाल को थोड़ी लाल होने देंगे। उड़द की दाल का कलर चेंज हो चुका है। अभी हमने पीसे जो मसाला लिया था ना, अदरक लहसुन मिर्ची कोथमीर, वो डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे ये मसाले को। तेल में इसका खुशबू बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी इससे बढ़ जाएगा वड़ा का। मुंबई वड़ा पाव ऐसे ही होता है, पूरा तड़का पूरा उसका शेका हुआ रहता है। ऐसे मसाला जो है ना, तेल में सिकने के बाद उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। हमारा मसाला सिक चुका है, अब हम इसे आलू में डालेंगे। आलू में सारे मसाले कर लेंगे। हींग डालिए थोड़ी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नींबू का रस, स्वाद अनुसार नमक, सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वड़ा का मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब कोथमीर डाल देंगे और छोटे छोटे वड़े बना लेंगे हम। ऐसे सारे वड़े रेडी कर लेंगे। सारे वड़े को ऐसे रेडी कर लिए, अब एक चटनी रेडी कर लेंगे हम। इस पे लगाने वाली सूखी चटनी, लहसुन कड़ी पत्ता डालेंगे, थोड़ी सी कोथमीर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक, बूंदी दो चम्मच। ये सबको पीस के रेड चटनी, सूखा वाला रहता है ना, वो रेडी कर लेंगे हम। हमने इस तरह से पीस के चटनी रेडी कर ली है। आउटसाइड लेयर वाला जो बेसन का रहता है वो रेडी कर लेंगे। बैटर बेसन लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा पानी डाल के बैटर रेडी कर लेंगे। ऐसे मिक्स करते जाना है, इसे काफी टाइम तक मिक्स करना है। कम से कम 10 मिनट आप मिक्स करोगे ना तो अच्छा फ्लफी हो जाएगा ये बैटर। और थोड़ा पानी लगे और बैटर रेडी हो गया है। अभी हमें क्या करना है, ये वड़ा है जो है ना, उसको थोड़ा प्रेस कर देना है ऐसे, और फिर हमें इसको तलना है, आटे में डिप करना है। पहले चेक कर लेंगे तेल हुआ है नहीं, ये ऊपर जल्दी से नहीं आ रहे, मतलब नहीं हुआ है तेल, और थोड़ा गर्म करना पड़ेगा तेल को। तेल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है, अब हमें एक एक करके वड़ा फ्राई कर लेंगे। सारे वड़े को प्रेस करते करते ऐसे तलना है हम लोग को। हमारे वड़े एक तरफ से पक चुके हैं, अभी इसको पलटी कर लेंगे सारे वड़े को, और दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन जैसे होने देंगे थोड़े से। वड़े हमारे तल के रेडी है, निकाल लेंगे प्लेट में। देखिए कितने मस्त दिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये पाव को बीच से ऐसे कट कर लिए, कट करके इसमें ये चटनी डाल देंगे। तो चटनी डाल दिए, अभी बीच में ऐसे वड़ा रख के तैयार है हमारा मुंबई स्टाइल वड़ा पाव। थोड़ी सी चटनी साइड में भी दे देंगे।